हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। उस अकॉर्डिंग आपको यह नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? व्हेन सीएच बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम, देन अल्फा सीएच बॉन्ड टेक पार्ट इन रिजोनेंस एंड शिफ्टेड देयर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई CH बॉन्ड किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेट होता है, तो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एंड हमको रिजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई CH बॉन्ड किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, तो CH बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम समझते हैं, ये जो है प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है, बेसिकली ये जो है हमारा ये CH बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है। तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ये कॉन्जुगेट है, ये CH बॉन्ड। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो CH बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और इसके द्वारा हमको इस प्रकार से जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये पहला रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये सेकंड टाइप का। ठीक है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये स्थिति क्या है, देखिए ये CH बॉन्ड है इस प्रकार से। तो जब इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो हमको इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। लेकिन जब सेम जो है इस CH के इलेक्ट्रॉन का, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो हमको ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ये जो CH2 है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसी प्रोसेस को हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था पाई बॉन्ड से। ठीक है, लेकिन वो दूसरे कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट का प्लेलिस्ट मिलेगा, उन कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही हो गया। अब इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस क्यों कहा जाता है? इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर इज नो डेफिनेट बॉन्ड बिटवीन वन ऑफ कार्बन एटम एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस कहा जाता है, क्योंकि यहां पे ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, दो ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ऐसा है, बेसिकली यहां से हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है उसको। ठीक है, अब यहां पे और कॉन्सेप्ट है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन अल्फा हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, द फॉलोइंग इज हाइपर कॉन्जुगेशन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। ये जो इफेक्ट है, ये जो नो बॉन्ड रिजोनेंस वाला इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है, ये अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसमें जो है तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये कार्बन के साथ तीन जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा इनकी तुलना में, क्योंकि इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, इसमें वन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन का जो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बढ़ता जाएगा, मतलब हमको ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे। तो ये जो है बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन जो है बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक है,
एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जनरली आपको 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इतना इनफ होगा। बेसिक डेफिनेशन एंड ये एग्जाम्पल के साथ आप ये लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, वहां भी आपको नोट्स मिल जाएगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।